तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। ये बताइए कि इसका क्या अपना क्या कुछ सीन रहता है सॉफ्ट टच वाले का? सरफेस को कंडीशनिंग की दी जाती है कि ताकि उसके ऊपर पेंट हो सके, फिर पेंट होता है इसके ऊपर, ठीक है, कंप्रेसर पेंट होता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट है, ये उतरेगा नहीं कभी, मतलब पपड़ी नहीं उतरेगी, नहीं उतरेगी, मतलब ही नहीं बनता, पपड़ी उतरता। जैसे कंपनी वाले पेंट करके देते हैं वैसे कोटिंग होती है ऊपर, ठीक है ना। एक होता है कि सीधा कंप्रेसर पेंट मार दिया आपने, कुछ भी नहीं कोट किया कोई, जैसे पहले हो रहा था, बिल्कुल, तो पहले तो आपको लगता लगता ही पपड़ी उतर रही थी, लीक कर रहा था पेंट, बिल्कुल लीक कर रहा था यहाँ से, हाँ यहाँ से पड़ा हुआ था नीचे, है ना, से बिल्कुल, ये दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा कल मैं इधर क्यों नहीं करा, क्या चीज इधर तो नहीं किया? हाँ, क्योंकि आपने मना किया था। हाँ, पर और आपने मना इसलिए किया था क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, मैं अपनी गाड़ी का बताता हूँ। मैंने ना यहाँ पे ये वाला एरिया पैनो ब्लैक किया अपनी गाड़ी। अच्छा, में साथ में, ठीक है, मुझे फील होता है शीशे में रिफ्लेक्शन यहाँ पे आता है। ये देखो भाई, हाथ रख रहे ना, हाथ का भी आपको यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। ये पेंट हो जाता ना, चलाना एकदम वो हो जाता है ना। ये होता है कि आप सूरज की रोशनी में, अभी तो रोशनी नहीं है, रिफ्लेक्शन मारता है, बिल्कुल बुरी तरीके से मारता है भाई। तो ये पॉइंट था, बट वापस बता देता हूँ कि इस पे ना मैट फिनिश करा गया है। थोड़ी बहुत भी अगर ग्लॉस रहती वो भी यहाँ से डिलीट कर दी, ताकि मतलब एकदम सही जो है अपना ग्लो आए, परफेक्ट लगा। हाँ, काफी एकदम चीज ओवर भी नहीं छिड़ती, बिल्कुल। हाँ, ये चीज है, सनसेट भी हमने ब्लैक ही रखा था, अभी कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा ना। तो भाई इतना ज्यादा जबरदस्त है ना सच्ची में। बाकी आप लोग खुद आके देखोगे ना, आप लोगों को अल्टीमेट मजा आ जाएगा देखने में। देखो मेरी थार हमेशा ओपन है ही, जिस भी मेरे भाई को देखनी हो ना वो देख सकते हैं, जहाँ पे भी आप बोलो कि मेरे को एक बार रुक के देखनी है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। एंड मैंने पर्सनली आके बहुत सारी थार शूट करी है यहाँ पे भैया के पास भी। यार देखो, अपनी चीज तो सबको अच्छी लगती है, बट इस गाड़ी में सच्ची में कुछ अलग है ना, इसमें डिफरेंट है, बहुत मेहनत है, तो ये है कि अगर आपकी गाड़ी में भी सेम ऐसा, आपकी गाड़ी में भी सेम ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं है कि भाई मेरी में ही हुआ है, बस टाइम देना पड़ेगा थोड़ा और थोड़ा बजट है। अच्छा एक बार इधर लेके चलते हैं भैया, ये स्टीयरिंग व्हील बताइए ना, स्टीयरिंग व्हील में, स्टीयरिंग में ऊपर हमने वुडन कर दिया, वही पार्किंग लाइन का ब्लैक कर दिया उसमें हमने, बीच में आपको हब कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हब खुल के हुआ है भैया, हाइड्रो, ये हब खुल के हाइड्रो टिपिंग होती है, ठीक है, ठीक है, वो कर दिया हमने, स्टीयरिंग का रैप कर दिया प्रॉपर हमने, इसमें आपका स्टिच कर दिया धागे वाला सेम, ठीक है, मैचिंग, ठीक है। बाकी के लोगों को डाउट लगेगा कि हम लोग एयरबैग का नहीं खुलवाना चाहते, खराब हो जाता है, तो ऐसा कुछ है भैया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एयरबैग की कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, नहीं आती है, क्योंकि अगर एयरबैग की दिक्कत आती है ना, सामने लाइट आने लग जाती है, आ जाएगा वो, हो जाएगा। ये देखो भाई यहाँ पे भी एकदम बढ़िया, आपने यहाँ से आपको दिख रहे होंगे गिरा, इतने छोटे छोटे हैं। बाकी चार पांच पार्ट में आपने ऑलरेडी ये वीडियो देख ली, क्योंकि ना इसमें काम गाड़ी में थोड़ा नहीं हुआ, इसमें काम बहुत ही ज्यादा हुआ है, और एक्सपेंसिव लेवल थी, क्योंकि पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ा, सब कुछ ही खुल गया, दरवाजे क्या, छत क्या, तो सीट का, सीटें क्या, गाड़ी में रही क्या, क्या, सही बात है, एकदम पूरी खुल गई। और अब जो बैठने में भी ना शाही फील आ रहा है, मतलब मैं ये बोला ना कि भाई करोल बाग में जी वैगन बना दिया, तो वो भी कम नहीं होगा, एकदम डिटो पूरा वही काम करा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ना बहुत सारी चीजें करवा सकते हो, अगर आप लोग कभी यहाँ पे आओगे भी ना करोल बाग में, आपको दिखेगा कि भाई ऑटो म्यूजिक कंपेरियम के आगे कम से कम तीन चार थार हमेशा खड़ी रहती है, उधर भी खड़ी रहती है, तो थार का तो एकदम भैया ने सच्ची में मतलब अच्छे से हाथ बैठा हुआ है ना थार पे। अच्छा करोल भैया, एड्रेस फोन नंबर मेरे को बताइए एक बार। एड्रेस सर हमारा है, और दुकान का नाम है ऑटोमेटिक एम्पोरियम, एड्रेस है 10172 अब्दुल अजीज रोड करोलबाग, ठीक है, और मोबाइल नंबर है 9311432244, और दूसरा नंबर है 9810020606, ठीक है। तो राम राम जी, मैंने देखिए आप लोगों को ना अपने साइड के पैनल्स दिखा दिए थे, गाड़ी के अंदर का दिखा दिया था, साथ ही साथ हम लोगों ने जो है आप लोगों को अपनी गाड़ी की एम्बिएंट लाइट भी दिखा दी थी। ये सारी वीडियोस जो है ना आपको मेरे पेज पे भी दिख जाएंगी और चैनल पे भी दिख जाएंगी, आप लोग जाके जो है देख सकते हैं। तो ये जो है अपनी गाड़ी की K4 एम्बिएंट लाइट्स हैं, इंस्टॉल कराई हैं। अब गाड़ी में ना काम बहुत सारा हुआ था, छत और एक पीछे की एडिशन है वो भी मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़े दिन में जो है पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद ही जो हम दिखा पाएंगे, बट तब तक जो है मैं आपको आज सीट कवर्स दिखा रहा हूँ। और एक चीज़ बताता हूँ, आज ना थोड़े से बादल छाए हुए हैं, तो शायद से आपको कलर एक्चुअल में समझ ना आए, बट हेयर एज आर सीट कवर। देखो ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है कि सीट कवर जो है, सीट कवर नहीं लगे केवल, पूरी पूरी सीट कस्टमाइज्ड है। आप लोग ये देख रहे होगे ना यहाँ से, अगर आपने यूजुअली नोटिस करी होगी थार की जो सीट्स होती हैं काफ़ी मोटी होती हैं, ऐसा होता है। ये जो सीट्स हैं ये कस्टमाइज्ड है, और चूंकि ये कस्टमाइज्ड है ना, तो इनका जो रेट है वो भी ज़्यादा हो जाता है। आप लोग सिंपल ये सीट कवर्स भी लगवा सकते हैं, मतलब मैचिंग पूरी आ जाएगी, बट एक कस्टमाइजेशन में जो मज़ा आता है ना, उसके लिए आपको अपनी गाड़ी भी छोड़नी पड़ेगी, थोड़े से प्राइस भी एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। एलकंटारा जो है इसमें यूज़ करा गया अपना फैब्रिक, और ये वर्ल्ड का सबसे प्रीमियम फैब्रिक होता है, और इससे ऊपर कोई फैब्रिक आता नहीं है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। अब एक एक करके मैं चीज़ समझाता हूँ। पहले तो देखिए, यहाँ से हम लोगों ने इस टाइप की जो कुशनिंग है ना, आप लोग तो इस टाइप का जो काम है भाई ज़बरदस्त वाला करा गया है ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम की तरफ से। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि रिंकल्स के नाम पर कोई भी रिंकल विंकल जो है नहीं दिया गया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही रखा गया है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ये सपोर्ट दी गई है पूरी, जैसे आप लोग बैठते हैं आप इसके अंदर चले जाते हैं, पूरे भिज जाते हो अंदर जाके, तो ये वाली काइंड की जो सपोर्ट है दी गई है, ये ना आपको होल्ड कर लेती है, आपकी कमर को ऐसे होल्ड कर लेती है पीछे, फिर उसके बाद आप लॉन्ग ट्रिप पे जाइए, जैसे जाइए आप लोग देखिए मैंने बीच में ना अपना सेम, इसको ना हम लोग व्हाइट नहीं बोल सकते, व्हाइट में थोड़ा सा येलो स्टोन में आता है, क्रीम टाइप का लगता है, तो उस टाइप का जो हम लोगों ने इसको फील दिया है। अगेन जो हमारे थ्रेड्स यूज हुए हैं वो भी सेम इसी टाइप कलर के यूज हुए हैं, जिससे काफी ज्यादा सही लग रहा है। ये कुछ ऐसे डिजाइन मिल जाता है आप लोगों को। इधर अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो यहाँ से देखिए, हाँ बारिश आ रही, मैंने बारिश बताई थी ना आपको, हाँ तो ये जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोगों ने एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट भी दिया है। अब यू होता ही है कि लॉन्ग ट्रिप पे जब हम लोग जाते हैं ना, तो उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट है वही सबसे ज्यादा काम आती है, क्योंकि थार की जो सीट्स होती हैं इधर तक ही होती हैं, केवल देखो इधर इधर तक होती हैं, बट एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट होने के बाद जो है आपकी ये आगे तक चल जाती है, फिर आपके पैरों को दिक्कत नहीं आती। आर्मरेस्ट जो है अगेन अपने इस टाइप के हुए, कुछ ये देख सकते हो आर्मरेस्ट जो है हमारा सेम हुआ है। इंटीरियर में मैंने आप लोगों को सारी चीजें पहले दिखाई दी थी, अब चलते हैं हम लोग इधर से, देख लीजिए एक बार गौर कर लीजिए, उस तरफ की चलता हूँ, सारी सीट्स दिखानी है मेरे को, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता आप लोगों से, अगर आपको कुछ गलती लग रही हो, कमी लग रही हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए भाई, ये जो है अपनी सेम सीट मिल जाती है, और अभी मैंने इसको वॉश नहीं कराया, कई लोग बोलते हैं ना कि वॉश कराओ, मतलब सॉरी बहुत मेंटेनेंस है, तो इतने दिन से मैं चलाने लगा हूँ, मुझे तो कोई ऐसा इशू आया नहीं है। अगेन ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ से ये सीट मिली है, अब इसको हम लोग बंद करते हैं। मेरी जो पूरी गाड़ी का अपना फील है ना, वो मैंने व्हाइट और इसी में ही करा है, ठीक है। आगे की तरफ चलता हूँ लेके, तो गाइस पीछे से आप लोगों को ऐसा चीज सीट्स मिल जाती हैं। देखिए छत में नहीं दिखा रहा, छत में भी ना अमेजिंग काम हुआ है, छत भी जो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, बट उसमें एडिशन कुछ ये है कि पीछे की तरफ मेरे को भी कुछ काम कराना है, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ट्यूसडे या वेडनेसडे को आप लोगों को वीडियो दिखेगी, बट हाँ पीछे वाली सीट जो है अगेन उसमें एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट के साथ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है देखने को। देखिए ये देखो पूरा प्रीमियम फील जो है दिया गया है, 60-40 अनेबल्ड है ये सीटें, और पीछे की तरफ चलूं तो पीछे भी देख सकते हो आप लोग, जो ओरिजिनल काम होता है वैसा ही काम करा गया है, इसमें कुछ भी ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा भी नहीं कि भैया मतलब बाहर से लगवाया, पता भी नहीं चल रहा, इतना प्रीमियम जो है काम करा गया ऑटोमेटिक कंपेयरिंग की तरफ से, ये देख सकते हो। तो भैया ये है कि टाइम आपको देना पड़ेगा, अगर पूरी ऐसी मेरी जैसी गाड़ी बनवाना चाहते हो ना, कम से कम 4-5 दिन लगेंगे, बट उसमें भयंकर वाला जो है मजे आ जाएंगे आप लोगों को, इतने ज्यादा अमेजिंग जो है सीट्स लगने लग रही हैं। एक बार पीछे की तरफ भी लेके चलूँ आप लोगों को, दिखा दूँ कि पीछे से क्या कुछ लगाते हैं यूज करते हैं। तो यही वाला सेम, जो देखो ये वाला जो मेटेरियल होता है ना कंपनी देती है, तो वही वाला सेम लगाया गया है, तो मतलब प्रोफेशनलिज्म इसे ही बोलते हैं मेरे हिसाब से। और यहाँ से देखिए इंटीरियर, आपको यहाँ से आइडिया पड़ रहा होगा कि ऐसा जो है कुछ अपने सीट कवर्स और वो लगते हैं, एड्रेस भी प्रॉपर रखे गए हैं। तो ये जो है ना इस सीट कवर्स के कई सारे फायदे जो आप लोगों को मिल जाते हैं बेसिकली, एक तो ये कि गर्म नहीं होता, ओहो मैंने बंद नहीं खाई, हाँ, और मैं एक दिन उस दिन ये भी दिखाना भूल गया था पीछे का, तो अपनी डिक्की का भी देखो ये पैनल हुआ है बेसिकली पेंट, ठीक है। तो इसके ना कई सारे फायदे आप लोगों को जो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गर्म नहीं होता एक तो ये, और बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम दैट फायदे हैं। तो सीट कवर्स कैसे लगे आप मुझे लिख के बताना जरूर जरूर, भाई मेरे से पूछा जाए तो देखिए मेरी गाड़ी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं, बाकी आप लोग ज़्यादा मेरे से मतलब अच्छे हैं, आप लोगों को पता होगा कि कैसा कुछ जो है काम हुआ है, तो वो लोग आप लोग लिख के बताएगा, ठीक है। तो एज सच कुछ अपने सीट कवर्स हैं, आई होप कि आप लोगों को इतने दिन जो मैंने वेट कराया वो आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई हाँ भाई फालतू में फुकरियाँ नहीं मारी, और काम धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। संडे स्पेशल है और फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कस्टमाइज, आप लोग इनोवा की सीट्स जैसे बोलते हैं ना कि इनोवा की सीट्स बहुत कंफर्टेबल होती है, तो इनोवा स्टाइल में जो है सीट्स बनवाई है मैंने, जिससे कि पूरी की पूरी अमेजिंग वाली जो फील है यहाँ पे आ जाती है ना। तो इनोवा स्टाइल बोल लीजिए, आपको जोन सा स्टाइल बोलना आप लोग ये बोल सकते हैं, बट हाँ सीट कवर्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। अब चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज आ चुकी है, इसलिए मेरे को अंदर जाना होगा, बस यही था, स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, आप लोग जाके भी अपनी गाड़ी में करवा सकते हैं। हमने सीट्स तो इसमें दिखा दी है अपनी, की सीट्स कवर हमने लगाए, तो कौन सा मटेरियल यूज हुआ है इसमें? इसमें एल्कंटारा यूज हुआ है, ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मटेरियल है, और ये लैमिनेटेड है, ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो हाथ में नहीं आएगा, प्रॉपर लैमिनेटेड है ये, ठीक है, ये लैमिनेटेड है। इसमें कोई भी हम डिजाइन बनवा सकते हैं, कोई भी डिजाइन बनवा सकते हैं, ये मेरा फेवरेट डिजाइन था, देखो आपने मुझे कहा था भैया जैसे ठीक लगे वैसे, बिल्कुल मैंने हाथ पे जो मेरा बेस्ट मेरे दिमाग में आता मैं करता गया, ठीक है। तो भाई ये ना एल्कंटारा अपना यूज हुआ, ये टॉप नॉच होता है ना भैया, टॉप नॉच, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता, लॉन्ग लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ मेंटेन करना पड़ेगा आपको कलर लाइक, ठीक है, मतलब वो तो साफ हो जाएगा बाकी, है ना, बाकी भैया सर्फर से साफ करवा सकते हैं इसको? भाई एक ना एक पॉली एक शूज साफ करने वाला आता है, क्लीनर ऑनलाइन मिलता है, ठीक है, ठीक है ना, वो ब्लैक जैसा मर्जी गंदा और शूज साफ कर देता है, उससे साफ, ठीक है, उससे साफ कर सकते हैं भाई। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने पहले तो पूरा दिखाई दिया था अपने को कैसा कुछ है। कल भाई मेरे को एक बार एड्रेस बताइए और ये बताइए कि कहाँ पे आना है, कैसे आना है? दुकान का नाम है ऑटोमेटिक एम्पोरियम, ठीक है, एड्रेस है 10172 अब्दुल अजीज रोड कुरलबाग, ठीक है, मंडे हमारी छुट्टी होती है, लोकेशन के लिए आप गूगल पे सर्च कर लो ऑटोमेटिक एम्पोरियम, ठीक है, मोबाइल नंबर है 9311432244, ठीक है।